हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय क्लास लास्ट वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन कर रहे थे आज के सेशन में भी हम जो भी बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन इज अ बलून विच इज़ ऑलवेज स्फेरिकल हैज़ डायमीटर थ्री बाई टू टू एक्स प्लस वन फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक है एक बलून है जो कि स्फेरिकल है गोले की शेप का है उसका जो डायमीटर है वो क्या है थ्री बाई टू टू एक्स प्लस वन तो इसका रेट ऑफ चेंज हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज निकालना ऑफ इट्स वॉल्यूम इसके आयतन का रेट ऑफ चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक है अब जो बलून है वो स्फेरिकल है ठीक है तो आप सभी को पता है इसका वॉल्यूम क्या होगा फोर बाई थ्री पाई बाई आर क्यूब यही होगा सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उसके बाद ही आप इसका सोल्यूशन देखेंगे तो स्टार्ट करते हैं हम इसका सोल्यूशन क्या है लेट वॉल्यूम ऑफ बलून एज बी हमने इसका आयतन मान लिया कितना है वी और इसका जो डायमीटर दे रखा है बलून का वो कितना दे रखा है थ्री बाई टू टू एक्स प्लस वन तो रेडियस क्या हो गई इसका हमने क्या कर लिया हाफ कर लिया तो इसकी रेडियस कितनी हो गई आर इज़ इक्वल्स टू थ्री बाई फोर टू एक्स प्लस वन हो गई ठीक है हमें निकालना क्या है एट लास्ट हमें निकालना है डी वी अपॉन डी एक्स इसने यही बोला है कि फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वी हमारे पास में क्या है फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब तो हम क्या करेंगे वी को क्या लिख दिया हमने वी इज इक्वल्स टू फोर फोर बाई थ्री पाई और आर क्यूब की जगह हमने क्या लिख दिया थ्री बाई फोर टू एक्स प्लस वन का क्यूब आ गया क्यों लिख दिया ऐसे क्योंकि हमें डिफरेंशिएट करना है एक्स की रेस्पेक्ट में तो हमने जो वी की जो टर्म थी उसको हमने क्या किया वीज इक्वल टू फोर बाई थ्री पाईआर क्यूब था तो इसमें जो आर था उसको क्या कर लिया एक्स में चेंज कर लिया क्योंकि आर बराबर है किसके थ्री बाई फोर टू एक्स प्लस वन के, के। ठीक है तो हमने क्या किया थ्री बाय फोर टू एक्स प्लस वन लिख लिया इसे सॉल्व किया तो बी हमारे पास फाइनली क्या मिल गया नाइन पाई अपॉन सिक्सटीन टू एक्स प्लस वन का क्यूब इसे डिफरेंशियट कर दिया क्या आया डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू नाइन पाए अपॉन सिक्सटी टू एक्स प्लस वन की क्यूब को डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा थ्री आगे आया टू एक्स प्लस वन का स्क्वायर और ये क्या होगा दोबारा डिफरेंशिएट होगा इसे दोबारा डिफरेंशियट किया और फाइनली हमें क्या मिल गया डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू ट्वेंटी सेवन बाई एट टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हैंस रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज ट्वेंटी सेवन पाए बाई एट टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बहुत ही इजी क्वेश्चन था ठीक है इससे अच्छे डिफिकल्ट क्वेश्चन जो हैं हम लोग सॉल्व कर चुके हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल कोस्ट सी एक्स एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय आपको कोस्ट क्या दे रखी है जीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो फाइव एक्स क्यूब माइनस पॉइंट जीरो टू एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी एक्स प्लस फाइव थाउजेंड फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट वेन थ्री यूनिट्स आर है ना तो यहाँ पे क्या करना है अपन को क्वेश्चन बहुत ही ईजी है सिर्फ एक ही समझने वाली चीज़ है यहाँ पे कि जो मार्जिनल कॉस्ट होगी वो क्या होता है डिफरेंशियल होता है किसका कॉस्ट का ठीक है सिर्फ यही चीज़ इसमें समझने की है कि जो मार्जिनल कॉस्ट होगी वो क्या होगी टोटल कॉस्ट जो है हमें गिवन है उसका डिफरेंशियल होगा तो हमने क्या कर दिया हमने लिख दिया कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स सी एक्स हमें क्वेश्चन में गिवन है इसे डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन जो है आप सभी को करना आता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ये कॉन्स्टेंट था तो इसे हमने बाहर ले लिया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस जीरो पॉइंट जीरो टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर सिमिलरली दिस एंड दिस ये कॉन्स्टेंट है तो इसका अवकलन कितना आ जाएगा जीरो इसकी आ, इसका आ जाएगा वन और यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर और यहाँ पे कितना आ जाएगा टू एक्स आ जाएगा टू एक्स आ जाएगा अब इसने बोला है कि जो मार्जिनल uh, कॉस्ट है वेन थ्री यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड है ना यानी एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है थ्री दे रखी है तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो आपके पास में एक तरीके से यह आ गया और एक्स इज इक्वल टू थ्री के लिए बात कर रहा है तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या पुट कर देंगे थ्री पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा मार्जिनल कॉस्ट थर्टी पॉइंट जीरो वन फाइव आ जाएगा ठीक है बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन भी एक ही चीज़ इस क्वेश्चन में समझने वाली थी वो ये थी कि जो मार्जिनल कॉस्ट होगा वो टोटल कॉस्ट का क्या होगा डिफरेंशिएशन करने पर हमें मिलेगा सिंपल डिफरेंशिएशन किया एक्स इज इक्वल टू थ्री लिखा और हमें आंसर मिल गया नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेडियस ऑफ अ सोप बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ जीरो पॉइंट टू सेंटीमीटर पर सेकेंड कि एक सोप बबल है ठीक है जो बबल है वो कैसा है स्फेरिकल है द रेडियस ऑफ अ सोप बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ जीरो पॉइंट टू सेंटीमीटर पर सेकेंड एट वॉट रेट इज़ द सर्फेस एरिया ऑफ अ बबल इंक्रीजिंग वैन द रेडियस इज़ सेवन सेंटीमीटर एंड वॉट रेट इज़ द वॉल्यूम ऑफ दैट बबल इंक्रीजिंग वैन द रेडियस इज़ फाइव सेंटीमीटर यानी आपको क्या करना है आपको जो इसका सरफेस एरिया उसका भी रेट ऑफ चेंज बताना है लेकिन जब रेडियस कितनी हो सात सेंटीमीटर और आपको वॉल्यूम का भी रेट ऑफ चेंज बताना है जब रेडियस कितनी दे रखी है फाइव सेंटीमीटर कहने का मतलब ये आपको डी एस अपॉन डी टी भी निकालना है और डी वी अपन डी टी भी निकालना है और जो आपको गिवन है वो क्या गिवन है डी आर मतलब रेडियस जो है वो इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ जीरो पॉइंट टू सेंटीमीटर पर सेकेंड यानी हर सेकेंड जो रेडियस इंक्रीज हो रही है वो कितना हो रहा है जीरो पॉइंट टू सेंटीमीटर इंक्रीज हो रही है मींस ये जो वैल्यू दी हुई है वो क्या दी हुई है डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू दे रखी है डी आर अपॉन डी टी कितना दे रखा है जीरो पॉइंट टू सेंटीमीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव साइन आएगा तो हमने मान लिया लेट रेडियस ऑफ सो बबल इज आर एंड सर्फेस एरिया इज एस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा जीरो पॉइंट टू सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड जो सर्फेस एरिया एस है वो कितना है पाईआर फोर स्क्वायर हमें ds अपॉन डी टी फाइंड आउट करना है तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी तो डी एस अपॉन डी टी कितना आ गया फोर बाई आर एस्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू आर डॉट लगा के डी आर अपॉन डी टी लिख दिया डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू हमारे पास है जीरो पॉइंट टू वो हमने पुट कर देंगे ठीक है और इसने रेडियस हमें गिवन है आपको सरफेस एरिया निकालना है वेन रेडियस इज सेवन सेंटीमीटर तो आर की वैल्यू आप क्या पुट करोगे सेवन सेंटीमीटर डी एस क्वान्टिटी कितना आ जाएगा सारी वैल्यूज पुट करने के बाद इलेवन पॉइंट टू फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड ठीक है रेट ऑफ इंक्रीजिंग सर्फिस एरिया ऑफ सॉप बबल इज इलेवन पॉइंट टू फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड सिमिलरली हमें क्या निकालना है वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज निकालना है तो आप क्या करोगे लेट एनी टाइम टी रेडियस ऑफ सॉप बबल इज आर एंड द वॉल्यूम इज बी अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्वेश्चन में गिवन है टू वॉल्यूम आप सभी जानते हैं फोर बाई थ्री पाई इसे डिफरेंशियट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशियन करना आप सभी को आता है फोर बाई थ्री पाई जो है वो क्या है हमारे पास में कॉन्स्टेंट है इसको बाहर ले लिया आर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन थ्री आर स्क्वायर डॉट लगा के डी आर अपॉन डिटी लिख दिया इन सब की वैल्यूज लिख दी डी आर अपॉन डीटी की आर की वैल्यू जो है वो फाइव दे रखी वेन रेडियस इज फाइव सेंटीमीटर वो हमने लिख दिया ठीक है तो डी वी अपॉन डीटी सारी वैल्यूज पुट करने के बाद कितना मिल गया हमें ट्वेंटी बाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हेंस रेट ऑफ इंक्रीज इन द वॉल्यूम इज ट्वेंटी बाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड ठीक है बहुत ही जल्दी मैंने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है क्यों किया है क्योंकि इस तरीके के जो स्फेरिकल वाले क्वेश्चन है स्फेयर वाले वॉल्यूम के और सरफेस एरिया के ये हम लोग पहले के वीडियोस में भी अच्छे से कर चुके हैं और कुछ स्टूडेंट्स ने तो ये आई होप ये क्वेश्चन सॉल्व अपने आप से कर भी लिया होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का ठीक है इसके बाद हम नेक्स्ट uh, वीडियो में जो है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे एट शुरू करेंगे ठीक है द क्वेश्चन इज द टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय आपको टोटल रेवेन्यू कितना दे रखा आर एक्स इज इक्वल टू थर्टीन एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी सिक्स एक्स प्लस फिफ्टीन फाइंड मार्जिनल कॉस्ट वेन एक्स इज इक्वल टू फिफ्टीन तो जैसा अपन ने सेकंड क्वेश्चन में किया मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा इसका डिफरेंशियल होगा तो हमने डी बाई डी एक्स आर एक्स लिख दिया डिफरेंशिएट किया तो कितना आया छब्बीस एक्स प्लस छब्बीस आ गया तीर थर्टीन एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स तो कितना बन गया ट्वेंटी सिक्स प्लस एक्स पंद्रह का डिफरेंशिएशन जीरो और छब्बीस एक्स का कितना आ गया छब्बीस और एक्स इज इक्वल टू फिफ्टीन पर बात करें इसने लिखा है ना फाइन मार्जिनल कॉस्ट बेन एक्स इज इक्वल टू फिफ्टीन तो एक्स इज इक्वल टू फिफ्टीन की बात करें तो एक्स की वैल्यू कितनी पुट कर दी फिफ्टीन पुट कर दी तो मार्जिनल कॉस्ट हमें कितना मिल गया सॉल्व करने पर फोर वन सिक्स ठीक है एट सेवन पर तो मार्जिनल कॉस्ट हमारा आंसर कितना आ गया चार सौ सोलह आ गया ठीक है तो यहाँ पे इतनी जो भी हमने लास्ट की तीन चार वीडियोस की है उसमें एट पॉइंट वन के एक्सरसाइज के हमने ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्पल और सारे जो अनसोल्व है वो कर लिए हैं एट पॉइंट वन की लास्ट वीडियो है नेक्स्ट वीडियो में हम वर्धमान आसमान फलन जो है उसकी बात करेंगे और जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के जो भी आगे के टॉपिक्स हैं उन्हें सॉल्व करेंगे ठीक है और इन सब क्वेश्चंस को जो है जो भी अपन ने पढ़ लिया है सिक्स चैप्टर सेवन चैप्टर और एट्थ चैप्टर इन सभी को आप जो है वो फेयर करेंगे नोटबुक में इनको लिख देंगे ठीक है कभी भी मैं किसी का भी होमवर्क चेक कर सकती हूँ और ग्रुप में मंगवा सकती हूँ तो आप इन सभी क्वेश्चंस को जो है वो एक फेयर कॉपी में कर लो ठीक है थैंक यू सो मच